मनुष्य का जीवन अपने आप में एक रहस्य है। अक्सर हम इसके गहरे अर्थों को समझ नहीं पाते हैं। इसके कारण हताशा, तनाव व परेशानियां हमें घेर लेती हैं। ऐसे में मात्र कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो इस जीवन की गहराइयों को समझकर अपने जीवन में बदलाव ला पाते हैं। ऐसे ही लोगों में से एक है शिवानी वर्मा, जिन्हें हम ब्रह्म कुमारी शिवानी दीदी के नाम से जानते हैं। आज हम इस वीडियो में ब्रह्म कुमारी शिवानी दीदी की जीवनी बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल सीरियसली स्ट्रेंज में। और आज इसी कड़ी में हम आपको बताएंगे ब्रह्म कुमारी शिवानी दीदी की जीवनी के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपको ऐसे ही और भी दुनिया भर में विचित्र कहानियों से रूबरू करा सके। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म कुमारी शिवानी का पूरा नाम शिवानी वर्मा है, जिन्हें लोग शिवानी दीदी के नाम से जानते हैं। वर्तमान में शिवानी दीदी आध्यात्मिक संस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आध्यात्मिक शिक्षिका के रूप में जुड़ी हुई हैं। अधिकतर लोग शिवानी के लोकप्रिय टीवी कार्यक्रम अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी के माध्यम से जानते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से ब्रह्मा कुमारी शिवानी लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय है। इनकी संस्था लोगों को अध्यात्म जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करती है, साथ ही साथ ये सिखाती है कि परिवार और समाज के बीच रहते हुए सभी दुखों से मुक्ति तथा तनाव मुक्त जीवन कैसे जिया जाए। आज हम इस वीडियो के माध्यम से शिवानी दीदी की प्रेरणादायक जीवन यात्रा को करीब से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी का जन्म व शिक्षा पर। ब्रह्मा कुमारी शिवानी का जन्म 1972 में महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुआ। शिवानी शुरू से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी। वे हमेशा अपनी क्लास में टॉपर रहती थी। स्कूल और कॉलेज के दिनों में शिवानी दीदी का अध्यात्म की तरफ जरा भी रुचि नहीं थी। इनका परिवार शुरू से ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्थान से जुड़ा हुआ था, लेकिन शिवानी का अध्यात्म की तरफ कोई खास रुचि नहीं थी। उनका मानना था कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। सन 1994 में शिवानी दीदी ने पुणे विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्नातक किया। इसके बाद 2 सालों तक भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में लेक्चरर के रूप में भी काम किया। अब आगे जानते हैं ब्रह्मा कुमारी शिवानी का विवाह और पारिवारिक जीवन के बारे में। ब्रह्मा कुमारी संस्थान में पूर्णतया समर्पित होने से पहले शिवानी दीदी की शादी हो चुकी थी और अपने पति के साथ उनका अपना बिजनेस था। शिवानी दीदी का मानना है कि अध्यात्म कोई सामान्य जीवन से अलग जीवन नहीं है। बहुत से लोग इसे अलग जीवन की तरह देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका मानना है कि जीवन में जो आप कर रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं, अपना करियर बना रहे हैं या अपना बिजनेस कर रहे हैं, इन सब के करते हुए सही सोचना, सही महसूस करना, सही व्यवहार करना और सही संस्कार ही अध्यात्म जीवन है, जो हमारी आत्मा के गुण है, जैसे खुशी, शांति, प्यार, इन सब का हमारे व्यवहार में और व्यक्तित्व के हर कर्म में लाना ही अध्यात्म जीवन है। शिवानी दीदी के अनुसार इसकी जरूरत हर व्यक्ति को है, लेकिन आधुनिकता की दौर में लोग इसे भूलते जा रहे हैं, जिसके कारण हम दिन ब दिन चिंता, भय और पीड़ा से घिरे रहते हैं। अब जानते हैं शिवानी दीदी का अध्यात्म की तरफ झुकाव के बारे में। सामान्यतया अधिकतर लोगों के जीवन में ऐसी कोई घटना या ऐसा कोई मोड़ आ जाता है जिससे वे विचलित होकर अध्यात्म की तरफ उन्मुख हो जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी शिवानी के जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं था। इनके माता पिता ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े थे और मेडिटेशन का अभ्यास करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी शिवानी को इसमें जरा भी रुचि नहीं थी। इनकी माता जी की हमेशा इच्छा रहती थी कि शिवानी को भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाना चाहिए और मेडिटेशन सीखना चाहिए। शिवानी के बचपन में विद्रोही स्वभाव के कारण उनकी माताजी जितना उनको ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाने को कहती, वे उतना ही इससे दूर भागती। उनका मानना था कि मेरी वर्तमान जिंदगी परफेक्ट है और मैं क्यों किसी के कहने से अपने वर्तमान जीवन में बदलाव करूं? मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन धीरे धीरे
समय के साथ शिवानी ने अपनी माताजी के स्वभाव में परिवर्तन दिखाई देने लगा। जैसे सामान्य माताओं का बच्चों के लिए छोटी छोटी बातों के लिए परेशान होना, उनके लिए चिंतित होना, जल्दी भावुक होने जैसी चीजें उनकी माताजी में नहीं थी। शिवानी को इस बात का एहसास होने लगा कि वे भावनात्मक रूप से पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा मजबूत हो गई हैं। वे बच्चों की परेशानियों की चिंता करने की बजाय उन्हें बेहद संवेदनशील ढंग से सुलझाती थी। अपनी माता के व्यवहार में इस तरह का परिवर्तन देख केवल एक्सपेरिमेंट के तौर पर शिवानी ने भी मेडिटेशन करना शुरू किया, जिसके बाद धीरे धीरे शिवानी की अध्यात्म में रुचि बढ़ने लगी और साल 1995 में शिवानी पूर्ण रूप से ब्रह्म कुमारी संस्थान में समर्पित हो गई। साल 2007 शिवानी का टीवी प्रोग्राम अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारी की शुरुआत हुई। जीवन दर्शन और अध्यात्म पर आधारित ये प्रोग्राम बहुत ही लोकप्रिय है। इस प्रोग्राम के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। ब्रह्म कुमारी शिवानी द्वारा टीवी पर प्रसारित टीवी सीरीज हिंदी और अंग्रेजी भाषा में, जो कि कुछ इस तरह है, विजडम ऑफ दीदी जानकी, डिप्रेशन, राजयोग मेडिटेशन, 2014 उनको आध्यात्मिक चेतना यानी कि स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को सशक्त करने के लिए वुमेन ऑफ द डिकेड अचीवर नाम के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुरेश ओबरॉय के साथ उनकी टीवी श्रृंखला हैप्पी अनलिमिटेड को बेस्ट सेलर पुस्तक में रूपांतरित किया गया था। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्था के बारे में। दोस्तों, दुनिया भर में आध्यात्मिक अलख जगाने वाली संस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना दादा लेखराज द्वारा की गई। दादा लेखराज सिंह, जो अभी पाकिस्तान में स्थित है, वहां के प्रसिद्ध हीरों के व्यापारी थे। संस्था के लोग दादा लेखराज को ब्रह्मा बाबा नाम से जानते हैं। दादा लेखराज ने लोक कल्याण के उद्देश्य से सन 1936 को ब्रह्मा कुमारीज संस्था की नींव रखी। दोस्तों, आपको ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी की ये जीवनी कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और चाहने वालों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और देखते रहिए सीरियसली स्ट्रेंज। नमस्कार।